हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी के लिए चारपाई बनाएंगे। ये कार्डबोर्ड का एक फ्रेम बनाया है, इसमें दो पीसेस को आपस में स्टिक किया है। थिक वाला कार्डबोर्ड लिया है, एक और फ्रेम लिया है जो सिंगल कार्डबोर्ड है। चार बॉटल्स लिए हैं, एक्रेलिक कलर्स की हैं, खाली वाली बॉटल्स हैं। इनसे चारपाई के लेग बनाएंगे। इनको सबको कलर कर लेंगे, दोनों फ्रेम को और साथ में बॉटल्स को भी अच्छी तरह से ब्राउन कलर से पेंट कर रही हूँ। ये रेड और ब्लैक कलर मिक्स करके बनाया है ये ब्राउन कलर। इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेंगे, अंदर की तरफ भी पेंट करेंगे और बाहर की तरफ भी किनारे किनारे में पेंट करेंगे। इसमें तीन नंबर तक के कृष्णा जी को बिठा सकते हैं, ये मजबूत रहेगी। थिक वाला कार्डबोर्ड लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसको अच्छी तरह से पेंट करके सुखा लेंगे। इसके पहले भी मैंने अलग अलग डिज़ाइन की चारपाई बनानी सिखाई है, जिसको आप देख के बना सकते हैं बहुत ही इजीली अपने कृष्णा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। बॉटल्स को भी, चारों बॉटल्स को भी इसी तरह से पेंट कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। मैंने अपने चैनल में लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्णा जी के लिए तरह तरह के बेड, चारपाई, ड्रेसेस, ज्वेलरी बनाई है। आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। ये फ्रेम में देखिए अंदर की तरफ से भी अच्छी तरह से कलर किया है इसमें भी, और इसको पूरी तरह से ड्राई कर लिया है। ये चारपाई मजबूत रहेगी इस तरह के थिक कार्डबोर्ड से बनाएंगे तो। ये दूसरा वाला कार्डबोर्ड लिया है, ये भी सिंगल पीस है, ये एकदम हार्ड वाला कार्डबोर्ड है, इसी के साइज़ का लिया है। इसको कपड़े से कवर करेंगे। फ्रेम से छोटा साइज़ का लिया है ये वाला पीस। बैक साइड से भी अच्छी तरह से ग्लू लगा के कपड़े को स्टिक कर देंगे। कपड़ा ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम किनारे किनारे में ही स्टिक करना है फिनिशिंग के लिए। अच्छी तरह से इसको ग्लू करेंगे। कॉर्नर से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरह से स्टिक कर दिया है। अब इसमें सामने की तरफ होल कर देंगे। एक ही तरफ में होल करने हैं लाइन से, इस तरह से आखिरी तक इसी तरह से होल बना लेंगे इसमें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस के लिए। ये होल्स बना लिए हैं, इसमें ग्लू लगाएंगे। ये जो दो फ्रेम स्टिक किए थे उसके ऊपर अच्छी तरह से ग्लू लगा के इस तरह से ये वाले कार्डबोर्ड को स्टिक कर दिया है। अभी जो सिंगल वाला फ्रेम है इसमें हाफ में ही ग्लू लगा के अच्छी तरह से इसको स्टिक कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। इस तरह से स्टिक कर दिया है। अभी पतले वाले कार्डबोर्ड लिए हैं इस तरह से अंदर की तरफ फिक्स करने के लिए। इसमें दोनों तरफ ग्लू लगा देंगे और पहले दोनों साइड में स्टिक कर देंगे इसको। और ये बड़ा वाला पीस है, इसमें भी दोनों तरफ अच्छी तरह से ग्लू लगा के सामने की तरफ इस तरह से स्टिक कर देंगे। ये जो गैप है, गैप में अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देंगे ये इस तरह से। ये डोरी ली है गोल्डन वाली, ये थिक वाली डोरी ली है। इसमें एक थ्रेड बांध के सुई में डाल के इस तरह से डोरी को निकालेंगे। बैक साइड से इस तरह से डोरी को, ये लंबी डोरी ली है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस तरह से इसको बांध लेंगे, टाइटली बांधेंगे इसको। अभी नॉट को इस तरह से नीचे की तरफ कर देंगे और सामने की तरफ करते हुए इस तरह से निडल से डोरी को निकालते जाएंगे। ये जो होल्स बनाए थे इससे ये चारपाई वाला पूरा लुक आ रहा है, जो रियल की चारपाई होती है उसमें इसी तरह से बुनाई की जाती है। पूरे आखिरी तक इसी तरह से डोरी निकालते हुए इसको इसी तरह से डालते जाएंगे। इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इसको आप शोपीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं घर में। ये इस तरह से इसको फिक्स कर दिया है, पूरे इस तरह से बुनाई कर दी है। इसको ऊपर वाली नॉट से इस तरह से डोरी से इसको बांध देंगे। जिस तरह से बांध रही हूँ आप इसी तरह से बांधिएगा तो इजी रहेगा बांधने में। ये बांध दिया है, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे और इसको ग्लू से स्टिक कर देंगे जो एक्स्ट्रा है। इसके साइड्स में लेस स्टिक कर देंगे। ये मिरर वाली लेस ली है, चौड़ी लेस ली है, जिससे जितना कार्डबोर्ड का पीस है उतना कवर हो जाएगा।
चारों तरफ इसी तरह से ग्लू लगाते हुए लेस को स्टिक कर देंगे। ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। ये जो बॉटल्स हैं ये भी ड्राई हो गई है। इनके एकदम नीचे बॉटम में इस तरह से लेस को स्टिक कर देंगे, चारों में लेस को स्टिक कर देंगे। चारपाई के नीचे साइड में इस तरह से ग्लू लगा के इसको उल्टा करके इसको अच्छी तरह से ग्लू लगाएंगे, ज़्यादा ग्लू लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से स्टिक रहे। फिर उसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे क्योंकि बॉटल्स हैवी हैं। इस तरह से ये चारपाई बन के तैयार है। इसको अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। ये ड्राई कर लिया है, अब ऊपर की तरफ ग्लू लगा के फ्लावर से इसको डेकोरेट करेंगे। इस तरह से चारपाई बन के तैयार है। बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है। अपने लड्डू गोपाल जी के, कृष्णा जी के लिए इस तरह की चारपाई आप घर में बना सकते हैं बहुत ही इजीली, या फिर आप इसको घर के डेकोर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 नंबर तक के कृष्णा जी को बिठा के दिखा रही हूँ। थैंक यू।